एस्ट्राजेनेका कंपनी ने 111 पेज भर के डेटा शेयर किया है। हाँ, ऑक्सफोर्ड वाली कंपनी ने ही। क्यों किया गया है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं बताने वाला हूँ ये वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि आप सभी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। दोस्तों, एस्ट्राजेनेका कंपनी जो 15 सितंबर को डेटा शेयर करने वाली थी वो अब तक नहीं किया गया है, वो डिले हो चुका है। जैसे ही मिलेगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने जब दो इलनेस फेस की ना तो काफी क्वेश्चंस उनके सामने आ रहे थे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, वैक्सीन सेफ है कि नहीं, एफिशिएंसी कितनी है। तो ये सारी चीजों को आंसर करने के लिए ना एस्ट्राजेनेका कंपनी ने उनकी ब्लूप्रिंट जो है वो शेयर की है, जो टोटल 111 पेजेस की है, जिसमें काफी डेटा है, वो हमारे कुछ काम का नहीं है। तो मैंने 3 पॉइंट्स जो है ना वो उसमें से पढ़ के प्रॉपरली निकाले हैं, जिसमें थर्ड पॉइंट जो है ना वो इमरजेंसी ऑथोराइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है ना वैक्सीन को 50% एफिशिएंसी पे एम कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर उससे कम एफिशिएंसी है तो वैक्सीन को यूएस एफडीए अप्रूवल के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये क्राइटेरिया है, 50% या फिर उससे ज्यादा होगी एफिशिएंसी तभी जाके उसे कंसिडर किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, प्रॉपर रिव्यू प्रोसेस कब होगी? जब कंपनी को 150 कोरोना वायरस के केसेस सामने मिलेंगे तब जाके प्रॉपर रिव्यू प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होगी। 150 केसेस किसमें से? यहाँ पे जिन्हें वैक्सीन ट्रायल्स में इंक्लूड किया गया था या फिर उन्हें वैक्सीन दी गई थी या फिर प्लेसेबो, उन सबको मिला के जब 150 केसेस सामने आएंगे तब वैक्सीन की प्रॉपर एफिशिएंसी का पता चलेगा, तब प्रॉपर रिव्यू प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होगी। लेकिन थर्ड पॉइंट में ट्विस्ट जरूर से है, क्योंकि वो जो है वो इमरजेंसी ऑथोराइजेशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब कंपनी को 75 कोरोना वायरस केसेस मिल जाएगा ना सारे ट्रायल्स में से, तो जो है सेफ्टी रिव्यू स्टार्ट हो जाएगी। और अगर उसमें ऐसा पाया जाता है कि वैक्सीन 50% या फिर उससे ज्यादा एफिशिएंट है, तो फिर कंपनी उसे ट्राई करेगी इमरजेंसी ऑथोराइजेशन के लिए। तो ये काफी अच्छी बात है, ये ब्लूप्रिंट से हमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। आपको क्या लगता है, ये वैक्सीन को इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिलेगा या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और ये भी बताइए कि वैक्सीन क्या 50% या फिर उससे ज्यादा एफिशिएंट होगी? मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है कि होगी ही होगी। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइए। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।